फैमिली, कैसे आप सब लोग हो? आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज एक सिंपल सा डिश बनाऊंगी, बट बहुत ही अच्छी रहती है। शहर में या इफ्तार में कोई आ रहा है आपके पास तो ज़रूर बनाइएगा आप ये। यहाँ पर है 1 किलो चिकन। ये चिकन देखिए, लाते ही इसको अच्छे से वॉश करके मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, धनिया, थोड़ा सा गर्म मसाला, ऑयल लगा के रख दिया। जस्ट बेसिक स्पाइसेस, मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, धनिया पाउडर, गरम मसाला एंड थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स लगा के एक आधा नींबू लगा के रख देना। देखिए चिकन को एक बना है। देन यहाँ पर है थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्ची एंड हरा मसाला। यहाँ पर लेंगे हम 1 किलो दही। देन यहाँ पर फ्राइड ऑनियंस, देखिए फ्राइड ऑनियंस में शायद 1 महीना पहले फ्राई करके रखा था, अभी तक फ्रेश वैसी है। एंड मसाला जाएगा इसमें चिरंजी, बादाम, 1-2 काजू, थोड़ा सा खुला चना और एक छोटी बट्टी खोपड़ी, बिल्कुल छोटी। एंड यहाँ पर हम लेंगे तेज़पत्ता, दो हरी इलायची, 3 टुकड़े दालचीनी, 4 लौंग, थोड़ा सा शाह ज़ीरा। बस इतने स्पाइसेस में अपना सालन बन जाता। अभी ये सब चीज़ें डाल के मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगा ग्राइंडर में। और ड्राई रोस्ट या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप चाहे तो ज़ीरा इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। अगर ज़ीरा ऐड करना है करिए आप लोग, ज़ीरे का फ्लेवर जिसको चिकन के साथ अच्छा लगता। मैं बिल्कुल थोड़ा डाल रहा हूँ ज़ीरा, बिल्कुल 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें। देखिए हम सब मसाला ले लिया, अब इसमें थोड़ी सी फ्राइड ऑनियंस भी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। मीनवाइल अपन लगन में ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल के अच्छे से प्याज रेड कर लेंगे, इसको ब्राउन कर लेंगे। तब तक मैं मसाला पीस ले रहा हूँ। यहाँ पर रेड करना है अपने को, तो अब मैं डालूँगा। ऑलरेडी मैं चिकन में गर्म अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, लेकिन इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डाल रहा हूँ, क्योंकि तलते वक्त जो फ्लेवर रहता बहुत अच्छा रहता है। 3 हरी में डाल के जस्ट उसको इसमें 2 मिनट इसके समझ जाने तक मिक्स करें। अगर आपके पास लगन नहीं है तो आप कढ़ाई या भगोना किसी भी बना सकते हो। अब इसमें डालूंगा मैं खुला गर्म मसाला, मेरा जो भी है वो डाल देंगे तुम। लौंग, दालचीनी, इलायची, तेज़पत्ता, सारे नींस हो तो अगर डालिए आप लोग, पत्थर का फूल भी डाल सकते हैं आप लोग, जो आपको पसंद है स्पाइसेस। हम डालेंगे थोड़ा सा हरा मसाला, और ये हरा मसाला बहुत अच्छा पसंद रहता है। चिकन डालेंगे, यहाँ पर मैं चिकन डाल दिया। चिकन डाल के स्टिक मिक्स दूँगा, ऑयल में बस 2 मिनट भूनूँगा। अभी लाल मिर्ची, नमक, हल्दी कुछ कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम चिकन को सब कुछ लगा कर रखें। इस तरह से लगाते रखने से चिकन अच्छे से मैरिनेट भी हो जाता है आपका। सब चाहे आप निकाल कर फ्राई कर ले सकते हैं या पका सकते कुछ भी। मैं 2 तरीक़ों से चिकन स्टोर करती हूँ। देखिए, एक जस्ट अदरक लहसुन नमक लगा कर एंड दूसरा वाला इस तरह मिर्ची नमक। अगर नेक्स्ट डे ही बनाना है मैं तो मिर्ची नमक लगा के रखूँ मैं, नहीं अभी थोड़ा टाइम है 4-5 दिन के बाद मतलब नहीं रखो, जस्ट अदरक लहसुन नमक लगा के रख देती हूँ वो टाइम पर। चिकन को अच्छे से अपन भून लेंगे, भून के बाकी की चीज़ें डालेंगे। चिकन माशाल्लाह थोड़ा सा अच्छे सा मसाले में भून गया। अभी मैं इसमें ग्राइंड करा हुआ पेस्ट डालूँगा, इसमें मैं पूरे मसाले डाल के पीसा वो वाला डाल के अच्छा मिक्स करूँगा। देखिए ब्लेंडर में थोड़ा पानी डाल के इस तरह से आप लिक्विड कर सकते, क्योंकि मसाला बहुत सारा रहता ग्राइंडर में, तो वो मसाला अपन लेने के लिए पानी डाल के लगा के। अब दही हम लोग थोड़ा चिकन को खोने के बाद डालेंगे, क्योंकि बोलते अक्सर दही लगाने से चिकन जल्दी कुक नहीं होता। अब ये अच्छे से मिक्स करके, कुछ नहीं डालना है अब अपने को, जस्ट पानी भी बस, इसको लिड डाल के एक 15 से 20 मिनट चिकन को खोने में बना देंगे अपन, रख देंगे, रख के उसके बाद मैंने गल गया। अभी मैं थोड़ा सा दही को क्या करा, मिक्सी में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया, क्योंकि दही अब ऐसा डालेंगे तो आप लोग पीसेस दही आके फट जाने का प्रॉब्लम रहता है, ऐसा ग्राइंड ब्लेंड करके डालिएगा, एकदम वेलवेटी आपको क्या बोलते हैं टेक्स्चर आ जाता है आपके सालन में। माशाल्लाह हो गया ऑलमोस्ट ऑल डन, हम अपना सालन 5 मिनट कुक करके बंद कर देंगे। माशाल्लाह अपना डन हो गया सालन। अभी हम देखें, थोड़ा ऑयल भी आ रहा, थोड़ा सा हरा धनिया, 1-3 ग्रीन चिलीज ऑप्शनल है, बिल्कुल भी डालना है डाल सकते हैं। थोड़ा सा फ्राइड ऑनियंस डालूंगा मैं इस पर, डालकर 1-5 मिनट लो फ्लेम पे दम पे रख के बंद कर दूँगा। खलास, तो अभी मैं फ्लेम लो कर दिया, जिसमें मिक्स भी नहीं लेना है,
साइड से इस तरह कर लीजिएगा, पूरा तेल जो है ना आटा पर 5 मिनट कुक करके सर्व कर देंगे अपन। गोश्त गलने के बाद ही दही डालना है आपको, बस खलास। सर्व करके बताऊँगा, और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, गर्म मसाला ना हो कुछ नहीं, जस्ट अपना रेडी हो गया। अभी हम इसको 5 मिनट दम पे ढक के रखेंगे, देन रेडी है अपना सालन। पहले अपने सालन का वाव मसाला धुआँ जाने के बाद आपको अच्छा रौनक लगेगा। ये ऑयल वगैरह सब मैं फ्लेम बंद कर दिया, अभी तेल वगैरह जितना चाहिए डाले थे अपन उतना आ गया। ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा एक तीरा बोलते ना अच्छा खासा आ जाता, तो मैं सर्व करके बताऊंगा। देखिए माशाल्लाह अपना लगन चिकन रेडी हो गया, बहुत ही टेंडर मीट और माइल्ड स्पाइसेस के साथ, बिल्कुल कम मसालों के साथ, बहुत ही लाइट रहता है, एकदम हैवी नहीं रहता। आप इसमें क्रीम ये वो सब कुछ भी डाल सकते हैं, बट इस तरह बनाइएगा बहुत लाइट और बहुत यूनिक, रोटी के साथ तो बहुत बेहतरीन रहता। आप राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, प्लेन राइस, काजू राइस, कोई भी राइस के साथ परफेक्ट मैच रहता है ये वाला। आप लोग भी बनाइएगा इसको, आप चाहे तो थोड़ा टाइट भी रख सकते ग्रेवी या फिर लिक्विड भी रख सकते, डिपेंड्स ऑन यू। इंशाल्लाह मिलते एक न्यू रेसिपी के साथ, बनाइएगा ये रेसिपी एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। देखिएगा माशाल्लाह बहुत ही टेस्ट तो पता नहीं इफ्तार के बाद ही पता चलेगा कैसा है, बट देखने में तो बहुत ही परफेक्ट। चलिए मिलते एक न्यू रेसिपी के साथ, मी आशा ज़रीन खान साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।